सुनो सुनाए बात सयानी कैसे बने ये शीश के ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लखदातारी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम, मात्र एक दरवाजा दुनिया में जिसके आगे लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। कौन है? सनातन धर्म में इतने मंदिर, क्यों अकेला ऐसा रूप जिसमें शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप है? ऐसी क्या शक्ति है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हजारों से लाखों हुए, लाखों से करोड़ों हुए, अब गिनती करनी मुश्किल हो गई है कि खाटू जाने वालों की गिनती क्या है साहब? सुनना जरा ध्यान से मेरी हाथ जोड़कर विनती, ये 10 मिनट मुझे दे देना, 11वें मिनट आप खुद महसूस करोगे कि श्याम बाबा हमारे पास है, हमारा खास है, उसके होने का हमें एहसास है। बोलिए श्याम प्यारे की। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको अब गारा सावरे, नहीं यार सहा जाए अब बोल कहा जाए, ओ और सहा जाए बोल कहा जाए। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा एक बार इजाजत रूप में जरा ताली बजाकर? हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा, हरे का तू है सहारा सावरे, अपने भी तुझको अब गारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो, दोनों हाथ खोल के गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बरबरी, बरबरी 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 बरबरी, बाल घुंघराले थे, बरबर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी,
पास गए, बोले मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरीक मनाने के लिए, भोले शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से तीन बाणे से प्राप्त किए, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाणधारी की, तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। यो खाटू बाणो सावरियो, खाटू बाणो सावरियो, यो खाटू बाणो सावरियो, खाटू बाणो सावरियो। भक्तानो कलण हारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सांवरे, ये कथा कोई आम इंसान नहीं सुन सकता, कोई बिरला सुनता है साहब, कोई बिरला सुनता है। बिगड़ी ही बननी थी तो खाटू धाम 20 साल पहले मिल जाता आपको, आज क्यों मिला? समय लगता है अच्छी चीजें मिलने, मिला है जरा ताली बजाकर प्रेम से। दूसरा वचन, रस्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। पहला वचन, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन, कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बरबरीक चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम उल्लील घोड़े ला अस्वार, खाटू वाले सामने घोड़े का अस्वार, खाटू वाला चाहे लियो आनिर घोड़े का अस्वार, खाटू वाला चाहे लियो सावरी ओरे मारो, सावरी ओ सावरी ओरे मारो, सावरी ओ सावरी ओरे मारो, सावरी ओ घोड़े का अस्वार, खाटू वाला सावरी। निकल पड़े बरबरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, सीधा लोग हिल उठे, बरबरी बरबरी बरबरी। युधिष्ठिर हिल गए, दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए तीन बाणधारी की। प्रेमियों समझना, जिसका जलवायु ऐसा हो कि जिसको देखने से ही लग जाए कि हार गया, तुम उसी के बच्चे हो, डरा मत करो किसी से प्यारे, तुम्हारा भी जलवा ऐसा ही है, तुम्हें देखकर हार जाता है सामने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ेगा बाद में, पहले मैं युद्ध हार जाऊंगा।
जाओ देख कर आओ कौन है ये। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बरबरीक कहां जाते हो? बरबरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मन में जाता है? बरबरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने आया है? मालूम है तुझे कितना बड़ा महासंग्राम है ये। बरबरीक बोले प्रभु जिसे आप महासंग्राम कह रहे हैं, महाभारत कह रहे हैं, मेरे तरकश में जो तीन बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। आज्ञा तो दीजिए। बोलिए तीन बाणधारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बरबरीक ने चढ़ाया प्रतिंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। क्यों? एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया था कि देखूं अगर किसी को छुपा लूं तो बच सकता है क्या। बरबरीक ने बोला प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर यह युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ। हरे का तू है सहारा, सामने हमने भी तुझको है पुकारा। हरे का तू है सहारा सामने हमने। अब ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुनना प्रेमियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरी कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और इस समय द्वापर में सिर्फ और सिर्फ तीन महाबली हैं जिनमें से किसी एक के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है, और वो तीन कौन हैं? पहले भगवान श्री कृष्ण, उनकी बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। दूसरे अर्जुन, उनकी बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो हे बरबरी बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बरबरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रस्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करना। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही निकाली तलवार और बोले हे प्रभु यह मौरवी का लाल आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर छोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बरबरीक ने दिखा ली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने।
मसीहिया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बरबरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराकर ऊंची चोटी पर रख दिया। वो चोटी कहीं और नहीं, हिमाचल में सिरमौर जिला चूड़धार पर्वत आज भी मौजूद है, वहां पर वो शीश रखा गया। इस समय माइनस में टेम्परेचर है वहां जहां वो शीश रखा गया। अप्रैल मई जून में वो जगह खुल जाती है, कोई जाना चाहे तो हिमाचल सिरमौर जहां पर बाबा का शीश रखा गया, भोलेनाथ का मंदिर है वहां, उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ शीश। और जाओ तो अच्छी दूरबीन लेकर जाना, कहते हैं आज भी वहां से दिल्ली का लाल किला नजर आता है, इतनी ऊंचाई है उसकी जहां पर वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए, और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो किसने किया और गलत हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। पांडवों ने भी यही किया, मन में अभिमान था, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था, युद्ध हमने है जिताया, लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। उठा लो दोनों हाथ, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास, जरा ताली बजा के। चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए, गए। कन्हैया तो अपनी मुरली बजा रहा था, पूछा हे माधव आपने युद्ध में क्या देखा, अर्जुन ने जिताया या भीम ने जिताया या युधिष्ठिर ने जिताया? कन्हैया बोले कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले माधव बता दो नहीं तो हम आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। पांडवों की बात सुनकर कन्हैया बोले अगर जानना चाहते हो सच में तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले दोनों हाथ उठा के शीश के पास, बरबरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, दोनों हाथ उठा के चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए कन्हैया ने आवाज लगाई, क्या बात है, हे बरबरी, हे शीश के दानी, ए हारे के सहारे, हे लीले के असवार, हे मौरवी के लाल, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बरबरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो, पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आ गई। प्रेमियों जब हम खुशी में होते हैं ना तो पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे जाते हैं, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। क्या वक्त रहा होगा कि बरबरीक का वो जवाब सुनकर कन्हैया का मन कितना प्रफुल्लित हुआ कि वरदान दे दिया। सुनना अब जरा वरदान क्या मिले कि है बरबरीक तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था युद्ध देखने के लिए, जाओ
तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं। दूसरा वरदान, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। तीसरा वरदान, कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। चौथा वरदान, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तेरी मान्यता भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हारे के सहारे बनोगे, जाओ तुम्हारे भक्तों को मैं वरदान देता हूं कि तेरी कथा सुनकर पहली बार तेरे दरबार में जो भी अर्जी लगा के जाएगा दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी, उसका तू उठारा बन जाएगा। छठा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रस्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे, जाओ तुम्हारे दरबार में जो भी पहली बार झोली पसार देगा अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। प्रेमियों, आज अगर आपका पड़ोसी कहता है ना कि मैं तो खाटू नहीं जाता, मेरी बात रिकॉर्ड करके याद कर लेना, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो गरारी खाटू जाकर ही निकलेगी साहब, और कहीं नहीं निकलेगी। वो भी चूरमे का प्रसाद लेकर आएगा आपके पास कि ले भाई, कितना ही कह ले मेरी गाड़ी के हाथ मत लगा, एक दिन उसके भी शीशे के पीछे 3 बाण का निशान लगा होगा, क्यों चिंता करते हैं। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है कदान दिया है, खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है। जैसे ही कलयुग शुरू होगा, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, कलयुग की पहली किरण जब निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा मरते दम, ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा मरते दम तक। किस किस को कथा समझ आ गई, ताली बजाना जरा एक, मेरी हाथ जोड़कर विनती, सारा विशेष ज्ञान बांटते हो आप फेसबुक पे, सारा विशेष जो कहीं नहीं मिलता, श्याम लाडला, श्याम प्रेमी, श्याम दीवाना लिखो, लेकिन पहले उसके काबिल बनो। इस कथा को कम से कम 5 लोगों को सुनाना साहब, उसके बाद जो मर्जी लिखना, आप उसके लायक हो। लेकिन जब तक बाबा के बारे में ही नहीं बताया कि ये है कौन, तब तक दुनिया को पता क्या लगेगा कि कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा। सबसे पहले बाबा देखो, वादा करते हो सुनाओगे,
कोई भी घर पे चाय पीने आ जाए। जिंदगी में एक ऐसी आ जाए शाम हो, चाय की पियाली कन्हैया तेरे नाम हो। कोई बैठा है उसको सुना दो बाबा की कथा। किस किस को कथा याद हो गई, सच बता दो, याद हो गई पक्की बात। कल फेसबुक पे लाइव आके सुना देना। कोई छोटी मोटी गलती होगी चिंता मत करना, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा क्या होगा इसमें, लेकिन सुनाना प्यारे, दुनिया को पता लगे हम शाम दीवाने हैं। आनंद आ रहा है, किस किस को आनंद आ रहा है, शोर मचा के बताओ एक बार जोर से। धीरे धीरे जाना रात तू, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना रात तू, धीरे धीरे जाना। ओ मजा सारे भक्तों का, मजा सारे भक्तों का बिगड़ जाएगा, मेरा शाम मुझसे बिछड़ जाएगा। रात तू तो आती जाती ये कभी कभी आता है, रात तू तो आती जाती ये कभी कभी आता है, रात तू तो आती जाती ये कभी कभी आता है। तेरा वक्त रात तू सुन ले, इसके कहने पर आता है। इसने कह दिया रात नहीं होगी तो रात नहीं होगी साहब, इसने कह दिया दिन नहीं होगा तो दिन भी नहीं होगा। मजा सारे भक्तों का, मजा सारे भक्तों का बिगड़ जाएगा, मेरा शाम मुझसे बिछड़ जाएगा, मेरा शाम मुझसे बिछड़ जाएगा।